दोस्तों, दुनिया में आज भी कई ऐसी जगह हैं जिनके बारे में लोग पता नहीं कर पाए हैं। इसके साथ ही कई ऐसी जगह हैं जिनका अस्तित्व आज भी रहस्य है। उन जगहों को लेकर कुछ लिखा भी गया है, लेकिन बहुत से तथ्य बताते हैं कि वो सिर्फ कल्पना मात्र ही है। चाहे वो बेबीलोन के झूलते गार्डन हो या फिर अटलांटिस शहर, इनका काफी जिक्र होता है, लेकिन इनके अस्तित्व के बारे में कुछ खास प्रमाण नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अटलांटिस शहर के बारे में बात करेंगे। अटलांटिस शहर के बारे में कहा जाता है कि यह भारत से काफी बड़ा शहर हुआ करता था, लेकिन यह समुद्र में समा गया। इस शहर की खूबसूरती से लेकर इसकी साइज को लेकर काफी दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि यह काफी बड़ा शहर हुआ करता था और इसकी साइज एशिया से भी बड़ी बताई जाती थी, लेकिन अब शहर का अस्तित्व नहीं है। ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर अटलांटिस शहर की क्या कहानी है। सबसे पहले क्या है अटलांटिस शहर? कहा जाता है कि 2500 साल पहले धरती पर एक शहर हुआ करता था जिसका नाम था अटलांटिस। यह ग्रीक सभ्यता का शहर था जो आज गुम है। इस शहर के लिए कहा जाता है कि यह काफी बड़ा और काफी सुंदर शहर था और पानी में डूब गया। समुद्र में समाये इस शहर को लेकर कई तरह की कहानियां सामने आती है, लेकिन इतिहासकार इस शहर को सिर्फ कल्पना मानते हैं। समुद्र में डूबकर एक पहेली बन जाने वाले इस शहर को पूरे यूरोप का केंद्र भी कहा जाता रहा है। क्या सच में यह शहर था? अटलांटिस शहर को लेकर कई बार रिसर्च की गई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल पाया। द मिस्ट्री ऑफ अटलांटिस जैसी कई किताबों में कहा गया है कि एक ना एक दिन इसकी जानकारी सामने आएगी और कई बार इससे जुड़े प्रमाण मिले हैं, लेकिन अधिकतर रिपोर्ट्स में इसको लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है और इसे एक कल्पना मात्र ही माना जाता रहा है। आपको बता दूं कि इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है कि अटलांटिस का कभी अस्तित्व भी था। फिर इसके बारे में जानकारी कहाँ से आई? इस शहर की कहानी प्लूटो की ही देन है। बताया जाता है कि आज से करीब 2300 वर्ष पहले एक मशहूर ग्रीक फिलोसफर प्लूटो ने इस शहर के बारे में बताया था। इसके आधार पर ही इस शहर का जिक्र यूनान के दार्शनिक और गणितज्ञ प्लेटो की कहानियों में मिलता है। अटलांटिस को उस समय धरती का सबसे खुशहाल जगह माना जाता था। प्लूटो के अनुसार इसे लीबिया और एशिया से भी काफी बड़ा द्वीप बताया गया है। मैं आपको बता दूं कि प्राचीन ग्रीस में लीबिया सहारा रेगिस्तान और भूमध्य सागर के बीच उत्तरी अफ्रीका की भूमि का नाम था, जिसमें आधुनिक समय के लीबिया, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया और मोरक्को देश शामिल है। वहीं इसमें जिस एशिया का इस्तेमाल किया गया है वो एशिया माइनर के रूप में है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।